आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर ग्रामीण भारत संवाद में आप सभी का स्वागत है। और जो आज के हमारे मेहमान हैं वो हैं राजीव गुंबर जी, निवर्तमान विधायक सहारनपुर। वो कुछ ही क्षणों में हमसे जुड़ेंगे, आप कृपया बने रहें। नमस्कार जी। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है विधायक जी। और ये इस लॉकडाउन के अंतर्गत मैंने एक मुहिम चलाई है, जिसके अंतर्गत जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से अपनी बात क्षेत्रवासियों के सामने रख सकें। तो सबसे पहले मैं परिचय से स्टार्ट करता हूं। मैं हूं नेपाल सिंह राणा, ग्रामीण भारत संवाद, जिला शामली से। और आप हैं राजीव गुंबर जी, निवर्तमान विधायक सहारनपुर। और वर्तमान में आप क्षेत्रीय संयोजक है भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ। तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में बता दूं, 2014 के उपचुनाव में आपको जीत मिली थी। 3 साल का आपका जो है कार्यकाल रहा, 2014 से 2017। और जो आपको वोट मिले थे 2014 में वो 1,08,306 मिले थे, और आपने 26,667 के अंतर से आपने जीत दर्ज की थी। और 17वीं विधानसभा में आप 4,636 मत से आप हार गए थे, जिसमें से आपको मत मिले थे 1,22,574। और संजय गर्ग जी सिटिंग एमएलए हैं सहारनपुर से। तो आदरणीय विधायक जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, आपका अभी तक का सफर कैसा रहा, शिक्षा और राजनीतिक जी बताएं। देखिए, मैं एक साधारण परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होने के नाते धीरे धीरे हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा से जुड़े। और सन 1995 से मैं लगातार सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की वार्ड के कोषाध्यक्ष से लगा हुआ हूँ और वार्ड का कोषाध्यक्ष का पद पर रहा। उसके बाद मैं लगातार उसके बाद पार्टी के अन्य अन्य पदों पर, व्यापार प्रकोष्ठ में और अन्य पदों पर जुड़ा रहा। युवा मोर्चे का मैं महामंत्री रहा, युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, भारतीय जनता पार्टी के महानगर का मंत्री रहा, भारतीय जनता पार्टी के महानगर का अध्यक्ष रहा। उसके पश्चात क्षेत्रीय समिति का 2 बार मैं सदस्य रहा। उसके पश्चात पार्टी का आशीर्वाद मुझे मिला और पार्टी ने मुझे टिकट दिया 2014 में, तो मेरे को विजय हासिल हुई। 2017 के अंदर पुणे जो चुनाव हुए उसमें मुझे कुछ वोटों से रह गया जी। काफी कम अंतर से आपकी हार हुई थी 2017 में, 17वीं विधानसभा में मात्र 4,636 मत से आप हार गए थे। और अभी सिटिंग एमएलए जो है सहारनपुर की स्थिति में बता दूं आप सभी दर्शकों को जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, सहारनपुर में 7 विधानसभा पड़ती हैं, जिसमें से सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, बेहट, नकुड, रामपुर मनिहारन और देवबंद और गंगो, और 2 लोकसभा लगती हैं जिसमें से सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा। तो मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर में जो अभी तक का बोलबाला रहा है, कहीं ना कहीं मसूद फैमिली, राणा फैमिली, धर्म सिंह सैनी चौधरी, यशपाल सिंह, शशिबाला पुंडीर, संजय गर्ग, तमाम ऐसे नेताओं का बोलबाला रहा है। लेकिन 2014 में एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया भाजपा द्वारा 2014 के उपचुनाव में, जब सिटिंग एमएलए आदरणीय राघव लखनपाल शर्मा थे 2012 में। तो मेरा अगला सवाल आपसे है आदरणीय विधायक जी, COVID-19 वैश्विक महामारी चल रही है, इसके चलते जिला स्तर पर आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए जी बताएं। जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, सर्वप्रथम हमने जनता के अंदर जागरूकता फैलाने का काम किया, क्योंकि ये महामारी एक वायरस है, संक्रमण से पैदा होती है। तो हमने जनता से आग्रह करा लगातार वीडियो कॉल के माध्यम से, लगातार वीडियो के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ाव करते हुए फोन के माध्यम से मैंने लोगों को आग्रह करा कि वो लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस लॉकडाउन से निपटने के लिए जो सबसे कारगर उपाय जो उन्होंने बताया कि हम सब लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, उसके प्रति लोगों से अपील करी तो अपने घर के अंदर रहें। और निश्चित रूप से इस वायरस का बचाव का सबसे बड़ा उपाय भी यही है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों के अंदर रहें। इसके प्रति हमने जागरूकता फैलाते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया संगठन के माध्यम से और व्यक्तिगत माध्यम से। मेरा हमेशा से प्रयास रहा कि जनता की को समझाया जाए, जनता को बुझाया जाए कि हम लोग घर के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर जब ये लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो एक सबसे बड़ी समस्या उन लोगों की प्रारंभ हुई जिनके पास खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जो लोग श्रमिक वर्ग के थे, जो लोग गरीब वर्ग के लोग थे,
उनका ध्यान रखते हुए मेरे द्वारा दो रसोई प्रारंभ की गई और लगातार एक महीने तक वो रसोई चली है। नुमाइश कैंप के अंदर नीलकंठ धाम में एक महीना रसोई चली मोदी रसोई, और एक गोविंद नगर में जहां मेरा आवास है उसके पास हमने मोदी रसोई चलाई, जिसके माध्यम से लगातार हमने 3 से 4 हजार पैकेट रोज लोगों को वितरण करने का काम व्यक्तिगत रूप से किया। उसमें कुछ लोगों का सहयोग भी मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और लगातार हम लोगों का प्रयास है कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, क्योंकि कोई व्यक्ति भूख से मरेगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक होगा। उस बात को जागरूक करते हुए मैंने इस व्यवस्था करवाई, और अपने माध्यम से केवल स्वयं के माध्यम से नहीं, शहर के अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को, चाहे वो पेपर मिल रोड पर किचन चलवाने का काम हो, साउथ सिटी के अंदर किचन चलाने का काम हो, पंजाबी महासंगठन के अंदर किचन चलवाने का काम हो, संभाल के द्वारा वितरण करने का काम हो, पंजाबी युवा शक्ति वाहिनी के द्वारा राशन वितरण का काम हो, और अन्य अन्य जितनी सामाजिक संस्थाएं जो मेरे संपर्क में थी, सबको हमने निवेदन किया, उन्हें जुड़ाव करने का काम किया, उन्हें जागरूक करने का काम किया कि इस संकट की घड़ी में सबको आगे आकर इस काम को करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, और इसमें एक बहुत बड़ी सफलता भी मिली। और इसके साथ साथ हमने ये प्रयास करा कि जरूरतमंद हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताए जा रहे थे, उनको जिस भी प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता, कुछ जगह दवाई की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करवाने का हमने काम किया जी। अच्छा आदरणीय विधायक जी, मैं मेरा अगला सवाल आपसे है कि नगर स्तर पर, जैसे कि आप विधानसभा सहारनपुर नगर को आप रिप्रेजेंट करते थे, तो नगर स्तर पर संक्रमण रोकने के लिए अभी तक के आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए जी? मेरे द्वारा लोगों को मास्क वितरण करने का काम बड़े पैमाने पर किया गया, मेरे द्वारा सैनिटाइजर वितरण करने का काम लोगों को किया गया, मेरे द्वारा जो हमारे सफाई कर्मचारी आज जो कोरोना योद्धा है उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनका सम्मान किया गया, और लगातार इस प्रकार से काम किए जा रहे हैं कि जिससे लोगों को उसका लाभ मिल पाए जी। अच्छा विधायक जी, आपका जो कार्यकाल रहा मात्र 3 साल का रहा, तो पूर्व में आप नगर के विधायक रहे, तो आपके द्वारा क्या मोटे मोटे एक जो कार्य कराए गए हैं वो कृपया बता दें थोड़ा, अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको संदेश जाएगा, जो पूर्व में आपने जो कार्य कराए हैं विधायक के नाते जी बताएं। मेरे द्वारा मलिन बस्तियों को चिन्हित कर करके सर्वप्रथम विकास का काम उनमें प्रारंभ किया गया, जहां पर बहुत अधिक आवश्यकता थी, चाहे वो सड़क निर्माण की थी, सीवर निर्माण की थी, या सफाई की व्यवस्था की दिक्कत आ रही थी, सर्वप्रथम प्राथमिकता पर मैंने मलिन बस्तियों के विकास की बात कही। फिर उन पिछड़े क्षेत्रों को हमने लिया जहां पर विकास कार्य पिछले 20 साल के अंदर बहुत धीमी गति से हुए, उनमें बड़ी तेजी के साथ, चाहे वो नंदपुरी थी, चाहे प्रकाश लोक था, चाहे खलासी लाइन था, लेबर कॉलोनी थी, हिम्मत नगर था, पेपर मिल रोड था, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां पर विकास की आवश्यकता बहुत अधिक थी। इसके साथ साथ मेरे द्वारा हमारे शहर के विकास के लिए जो मुख्य सड़कें हैं उनके निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर करवाया गया। नुमाइश कैंप जनता रोड की सड़क थी मेन सड़क, नेहरू मार्केट की सड़क जो पिछले 40 साल के अंदर नहीं बनी थी, मेरे द्वारा उस नेहरू मार्केट की सड़क मुख्य सड़क का निर्माण लगभग 40 साल बाद उस सड़क का निर्माण कराया गया। मेरे द्वारा लेबर कॉलोनी की जो मुख्य सड़क थी जिसका शायद 20-25 साल से कोई काम नहीं हुआ था, उसको निर्माण कार्य करवाया गया। इसी प्रकार से जो हमारे शहर के जो मुख्य स्कूल हैं, चाहे वो आशा मॉडर्न स्कूल है या अन्य स्कूल है, उनकी सड़कों बड़ी खराब हालत में, बच्चों को आने जाने में बहुत अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता था, उन्हें बनवाने का काम किया गया। मेरे द्वारा लगातार निरंतर यह प्रयास रहा कि जनता की जो भी समस्याएं मुझ तक पहुंचती थी उन्हें मैं बड़ी सजगता के साथ उन्हें सॉल्व करवाने का काम करूं। डूडा के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण मेरे द्वारा करवाया गया है जी। अच्छा विधायक, विभाग एक सड़कों का बहुत बड़ा निर्माण कार्य कराया गया है जी। अच्छा विधायक जी, शहर में जाम की समस्या बहुत पहले से है, तो आपके द्वारा पहले क्या कदम उठाए गए और अभी क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में आपकी क्या रूपरेखा है इसको लेकर के जी? जाम से निजात दिलाने के लिए हमने सड़कों के चौड़ीकरण का अभियान चलवाया, जिससे सड़कें जहां पर सड़कों के साइडों में खंभे थे उन सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे वो देहरादून रोड की बात रही हो, चाहे वो नुमाइश कैंप वाली सड़क की बात रही हो, चाहे नेहरू मार्केट की सड़क की बात रही हो, उसमें लगातार हमने उसको सड़कों का चौड़ीकरण कराया जिससे जाम की स्थिति कम से कम लगे। नेहरू मार्केट में बनवे की व्यवस्था भी कुछ समय के लिए चलवाई गई और अन्य अन्य काम भी हमारे द्वारा कई करवाए गए जी। विधायक जी, जो नेहरू मार्केट की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं संकीर्ण हैं, उसको लेकर के कोई योजना है आपको जो सुझाव देना चाहेंगे प्रदेश सरकार?
मैंने बताया कि नेहरू मार्केट की सड़कों को हमने चौड़ीकरण करके उसमें प्रयास करा कि पूरा पूरा उसके चौड़ीकरण से एक लाभ भी मिला है उसका। आप देखेंगे नेहरू मार्केट की सड़कों का जब से चौड़ीकरण हुआ है उसमें काफी कुछ उसमें जाम की स्थिति से हमें काबू पाने का लाभ रहा है जी। लेकिन जाम की स्थिति तो अभी भी बनी रहती है कहीं ना कहीं आदरणीय विधायक जी, हालांकि अभी तो खैर लॉकडाउन की स्थिति है, खैर अभी तो हर जगह खाली है शहर, लेकिन जी हमारा शहर पुराना शहर है और निश्चित रूप से जहां पर निर्माण कार्य शुरू जाते हैं उन निर्माण कार्य को स्थायी निर्माण कार्य को हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगवाने का काम किया गया जिससे आज जाम की स्थिति में पहले से बहुत काबू है। कोट रोड पर भी जाम की स्थिति में काबू है, कोट रोड की सड़क का मुख्य सड़क का चौड़ीकरण कराया गया है जिससे वहां भी काफी अब जाम पर अंकुश लगता है जी। अच्छा एक पार्किंग की समस्या है कहीं ना कहीं पूरे शहर में, मैं देखता हूँ कोर्ट रोड पे अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग सड़कों पे अपनी बाइक जो है खड़ी कर देते हैं, उसको लेकर के कोई योजना है आपको प्रदेश सरकार को सुझाव देना चाहेंगे जी? अभी अभी कोर्ट रोड की जहां तक बात है उसमें अभी कोई हमें जगह हम लोग ढूंढ रहे हैं जहां पर एक बड़ा विशाल पार्किंग स्थल बनाया जाए। नेहरू मार्केट के अंदर पार्किंग स्थल के रूप में जुबली पार्क के अंदर अभी पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है, फिर रायवाला में जो जाम की स्थिति रहती है जो मंडी थाना है उसके पीछे एक बड़ी पार्किंग स्थल नगर निगम के द्वारा हमारे द्वारा सुझाया गया है कि वहां पर निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए और जो बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है जी। अच्छा मेरा अगला सवाल है जी जी, कोट रोड पे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर पार्किंग की जाए चाहे वो अंडरग्राउंड कर पाए, हम अभी ऐसी कोई जगह चिन्हित करने का काम चल रहा है जी। मेरा अगला सवाल है आदरणीय विधायक जी आपसे, सहारनपुर में विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई थी राज्य विश्वविद्यालय, तो इस पर आपका क्या कहना है जी? इसका जो कार्य है राज्य जी, आपको सबको ज्ञात होगा और जनता भी जानती है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी से मिलकर सर्वप्रथम इस मुहिम को चलाने का काम मेरे द्वारा किया गया। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर गया, उसे प्राथमिकता पर मेरे द्वारा ही प्रारंभ किया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी ही उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जब सहारनपुर में आए, उससे हम 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और सहारनपुर में साउथ सिटी में उनका कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने विश्वविद्यालय की हमारी मांग को सही मानते हुए यहाँ पर बनवाने की घोषणा की कर दी गई। आज पवारका के अंदर जगह चिन्हित कर दी गई है और भी सुझाव जगह के बारे में आए, लेकिन सरकार के द्वारा पवारका की जगह को चिन्हित किया गया और वहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाएगा जी। और निश्चित रूप से मैं आपको कहना भी चाहूंगा विश्वविद्यालय का निर्माण करना मेरी प्राथमिकता में था, मेरे चुनाव घोषणा पत्र में था और मैंने उस चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार उसमें जितना काम किया जाना था वो बड़े डट के किया है और विश्वविद्यालय का निर्माण होकर रहेगा जी। कब तक हो जाएगा विधायक जी, थोड़ा ये बता दें क्योंकि एक समय सीमा बता दें कि कब तक विश्वविद्यालय का जो निर्माण है और इस सत्र में ये लॉकडाउन अगर प्रारंभ ना होता, लॉकडाउन ना होता तो इस सत्र का प्रारंभ हम सहारनपुर में विश्वविद्यालय के रूप में करने वाले थे, चाहे वो अभी ऑफिस ब्लॉक के रूप में प्रारंभ होता उसमें शैक्षणिक स्तर का कार्य अगले वर्ष में होगा, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूँ कि अगले वर्ष के अंदर यहाँ पर शैक्षणिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा जी। अभी मैं आपको ताजा आंकड़ा दिखा देता हूँ कि बता देता हूँ कि जो अभी सहारनपुर की स्थिति है कोरोना को लेकर के, टोटल पॉजिटिव जो केस है 191 है, एक्टिव 72 केस है और जिनमें से ठीक हो चुके हैं 119 और कुल सैंपल लिए गए हैं अभी तक 4243 और नेगेटिव आए हैं 3406, तो लंबित रिपोर्ट 646 है, ये अभी सहारनपुर का आंकड़ा है। अच्छा एक मुद्दा विधायक जी काफी गरमाया हुआ है तबलीगी जमात को लेकर के जी, तो इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है जी? मरकज के अंदर जिस प्रकार तबलीगी जमात के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने शासन प्रशासन को गुमराह करके वहां से सब लोग आए, पूरे देश के अंदर वो संक्रमण फैलाने का काम किया, मैं उसकी निंदा भी करता हूं, चाहे उसमें के लोग वो इस देश के खाते हैं, इस देश का पीते हैं, इस देश के हर व्यवस्था का अंग है और हर व्यवस्था को ग्रहण करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी यदि वहां पर कोई इस प्रकार की कोई उनके द्वारा एकत्रितकरण हो रहा था, जब ये कोरोना संक्रमण फैल गया था तो उन्हें वहां एकत्रितकरण नहीं करना चाहिए था और जब वहां से निकले तो उसका पूरा इलाज के माध्यम से पूरी जांच के माध्यम से अन्य जिलों में वो जाने चाहिए थे, लेकिन तबलीगी जमात के लोग बिना प्रशासनों को बताए पूरे देश के अनेकों अनेक जिलों में फैल गए जिससे कोरोना वायरस बहुत अधिक बढ़ा। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आज देश के अंदर जो स्थिति है वो इन जमातियों और इन कोरोना के द्वारा जो फैलाया गया है उसका एक बहुत बड़ा अंग
आज इनका योगदान है। यदि इनका के द्वारा शासन और शासन के निर्देशों का पालन किया गया होता तो शायद आज हम इस स्थिति में भी नहीं होते। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही सफलता के साथ आज कोरोना वायरस को रोकने का काम कर रहे हैं। जी विधायक जी, आप तबलीगी जमात को तो आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो शराब के जो ठेके खोले गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा, तो वो भी तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन में 45 दिन से जो लोग घरों में बंद थे तो वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि 45 दिन से बंद थे और अभी जो है ठेके खोल दिए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है वहां कहीं ना कहीं। इसका एक दुष्परिणाम थोड़ा सा सामने पहले दिन में आया था, लेकिन अगले दिन से ही प्रशासन ने बड़ा काबू किया गया। अब यदि आज आप किसी ठेके पर जाकर देखेंगे तो पूर्णतया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और वहां पर कोई भी भीड़ नहीं है। इसका निश्चित रूप से प्रशासन और हम लोग ज्ञान ले रहे हैं कि कहीं भी इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। जी आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए आदरणीय विधायक जी, तो चलते चलते आप सहारनपुर की सम्मानित जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? जी इस ग्रामीण मैं ग्रामीण संवाद के माध्यम से सहारनपुर की जनता को एक संदेश देना चाहूंगा। मैं आपका चुनाव प्रतिनिधि हूं, आपका बनाया हुआ सेवक हूं और निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं हर समय लगा रहता हूं। और मेरे द्वारा इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता होने के नाते लगातार शासन और प्रशासन के लोगों के संपर्क में भी हूं। शासन के द्वारा इस आपदा राहत के अंदर जो व्यवस्थाएं, चाहे वो भोजन की व्यवस्थाएं है, चाहे राशन की व्यवस्थाएं है, गरीब लोगों को, श्रमिकों को पैसा देने की व्यवस्थाएं, हम लोग बड़ी सजगता के साथ उस कार्य को बड़े युद्ध स्तर पर करवाने में लगे हुए हैं। हमारी कल भी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई और हमने कहा कि जिन लोगों तक अब तक सहायता नहीं पहुंची है, आने वाले 2-4 दिन के अंदर उन्हें सहायता पहुंच जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो श्रमिक बाहर के यहाँ फंसे हुए हैं, मेरा उनसे आपके माध्यम से एक आह्वान है, एक निवेदन है कि वो लोग जहां इतने दिन समर्थ रहे, आगे भी समर्थ रहे। कल की एक दुख भरी घटना हम सब ने नांदेड़ के अंदर की देखी है कि श्रमिकों की एक मृत्यु भी हुई है रेल पटरी पर। मैं उस पर भी दुख व्यक्त करते हुए सब श्रमिक बंधुओं को संदेश दूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक संवेदनशील सरकार है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और सहारनपुर के अंदर भी जो श्रमिक फंसे हुए हैं उन्हें बहुत जल्द उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा और उनको खाने या राशन की यदि कोई समस्या की कहीं भी कोई दिक्कत हो वो निश्चित रूप से मेरे से संपर्क करें और उनकी हर समस्या के समाधान के लिए हम हर समय तत्पर रहें। जी बहुत ही बेबाकी से आपने मेरे सवालों के जवाब दिए आदरणीय विधायक जी, ग्रामीण भारत संवाद से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।